अरे यार गाइस, लास्ट वाले वीडियो में सिंचेन को ढूंढने के चक्कर में ज़ॉम्बी से मेरी फाइट हो गई और भाई साहब मेरे को लगता है मेरे अंदर वायरस आ चुकी है। लगता है किसी ज़ॉम्बी ने मेरे को काट लिया था। कल तक तो नहीं पता चल रहा था लेकिन आज मेरे को बहुत खराब लग रहा है। मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ और मेरा बॉडी का कलर भी चेंज होते जा रहा है। बहुत खतरनाक बीमारी है। लगता है भाई साहब मैं मरने वाला हूँ। मेरे अंदर बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस आ चुकी है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे चोप किधर हो तुम? अरे यार गाइस, ये चोप भी मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। मैं घर जा भी नहीं पा रहा हूँ गाइस। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। मैं मरने वाला हूँ गाइस। वायरस पूरी तरह से फैल चुका है मेरे बॉडी में। अरे भाई साहब कोई तो बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। कितना अच्छा मैं पूरे घर को सील कर लिया था। एक भी ज़ॉम्बी हमारे घर में नहीं घुस सकते थे लेकिन ये सिंचेन सिमियन को बचाने के चक्कर में घर से बाहर चला गया और सिंचेन को बचाने के चक्कर में मुझे ज़ॉम्बी से फाइट करनी पड़ी और मेरे अंदर लगता है पूरी तरह से वायरस फैल चुका है। अबे यार चोप किधर है तू? अरे यार चोप इधर आ, इधर आ, मेरी जान बचा ले यार तू। अरे तू है भी या कि मर गया? अरे हाँ यार आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे यार हुआ क्या है? अरे यार ये क्या, तू तो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और भाई साहब तेरे फेस में क्या हुआ? अरे तेरा मुंह का कलर तो चेंज होने लगा है यार, तू तो ज़ॉम्बीज का जैसा दिखने लगा है। अरे भाई साहब ये क्या हुआ? अरे यार चोप बचा ले यार तू मेरे को, लगता है ज़ॉम्बीज ने मेरे को कल काट लिया। अरे यार मेरे बॉडी में पूरा वायरस फैल चुकी है यार, कुछ ही देर के बाद मैं मर जाऊंगा, बचा ले तू। अबे यार फ्रैंकलिन ऐसा क्यों बोल रहा है यार तू? अरे यार तू मेरा सबसे अच्छा मालिक है। अरे यार गाइस ज़ॉम्बीज ने फ्रैंकलिन को काट लिया है, देख लो यार गाइस फ्रैंकलिन के मुंह से बहुत ही खतरनाक वाला खून निकल रहा है और भाई साहब फ्रैंकलिन का मुंह भी ज़ॉम्बीज का जैसा बन गया यार। अरे यार फ्रैंकलिन तू किसी को भी मुंह मत दिखाना वरना सब कोई भाग जाएंगे तेरे को देख करके। अरे यार गाइस कुछ तो करना होगा मेरे को। अरे यार फ्रैंकलिन ये कैसे हुआ यार, मैं तो बच गया। मुझे एंट्री जोड़ दे दो, बचा लो मुझे। अरे यार गाइस ये फ्रैंकलिन तो बहुत ही खतरनाक आवाज निकाल रहा है यार। अरे भाई साहब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अबे यार फ्रैंकलिन तू इधर ही रुकना, मैं यार एंटीडोट लेकर के आता हूँ, तेरे ऊपर इंजेक्ट कर दूंगा ना यार तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से वायरस फैल गया है फ्रैंकलिन के अंदर, इसकी आवाज भी चेंज होने लगी है। अरे भाई साहब खून निकल रहा है मुंह से बहुत ही खतरनाक। अरे यार इसको कोई भी देख लेगा तो वो डर जाएगा यार। अबे यार फ्रैंकलिन तू इधर ही रुकना, मैं यार अभी फटाफट यार एंटीडोट लेकर के आता हूँ, अपन लोग यार अपने घर में ही रखे एंटीडोट। अबे हट जा हट जा हट जा। अरे यार गाइस आप लोग यार फ्रैंकलिन के लिए जल्दी से सपोर्ट करो। अरे यार उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो यार, उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुकी है। अरे भाई साहब क्या होगा, सिंचेन पिंचन ऑलरेडी पहले से ही गायब है और भाई साहब फ्रैंकलिन के अंदर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, इसको एंटीडोट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये क्या, यहाँ तो सभी दवाइयाँ गायब है। अबे दवाइयाँ कहाँ गई? अरे चोप सर, हम और हमारे सभी स्टाफ ने दवाइयाँ खा ली ताकि ज़ॉम्बी वायरस अपन लोग के अंदर में ना सके। अबे यार तुम लोगों ने सभी दवाइयाँ खा ली और फ्रैंकलिन को कैसे बचाएंगे, उसके अंदर तो ज़ॉम्बी वायरस आ चुकी है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो तुम, फ्रैंकलिन सर के अंदर में ज़ॉम्बी वायरस आ चुकी है? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन ठीक है ठीक है। अरे यार गाइस अगर इन लोगों को बता दिया कि फ्रैंकलिन के अंदर में ज़ॉम्बी वायरस आ चुकी है तब तो ये लोग हमारे घर को छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि यार फ्रैंकलिन या तो मर जाएगा या फिर ज़ॉम्बी बन जाएगा और ज़ॉम्बी बनने के बाद इन लोगों को भी काट लिया तो भाई साहब ये लोग भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। अरे यार गाइस बहुत ही खतरनाक मामला है भाई। अबे फ्रैंकलिन सारे एंटीडोट हमारे स्टाफ लोग खा चुके हैं यार, एक भी दवाइयाँ नहीं बची है। अरे यार चोप ये क्या बोल रहे हो तुम, भाई साहब एक भी दवाइयाँ नहीं बची है। अरे यार गाइस सारे के सारे एंटीडोट खा चुके हैं, अब तो यार मैं मरने ही वाला हूँ। अबे यार फ्रैंकलिन मैं यार तेरे को किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। अरे यार चल चल किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे यार उसे एंटीडोट मांग करके तेरे को खिलाते हैं यार, फिर तू पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अरे यार गाइस, लगता है फ्रैंकलिन ने बोला हाँ हाँ चलो। अरे यार इसकी आवाज पूरा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अरे यार फ्रैंकलिन, किसी को तू अपना शकल मत दिखाना यार, वरना तेरे को देख करके वो लोग भाग जाएंगे। अरे हाँ यार चुप, आजा आजा। अरे यार मेरे को किसी भी तरह से एंटीडोट दिला दे भाई, मैं मरने वाला हूँ। अरे यार गाइस, ये ज़ॉम्बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्या ही हालत बना दिया है मेरी। अरे यार गाइस, किसी भी तरह से मैं एक बार बच जाऊँ ना, उसके बाद मैं घर से नहीं निकलूंगा। अबे यार फ्रैंकलिन, गाड़ी मेरे को देना यार चलाने के लिए, तेरे से नहीं चलेगी यार। अरे यार चुप, मैं चला लूंगा, किसी भी तरह से चला लूंगा। अरे यार गाइस, एंटीडोट कहाँ मिलेगा? अरे यार चुप, कहाँ मिलेगा एंटीडोट? अबे यार फ्रैंकलिन, एंटीडोट तो यार अपन लोग को हॉस्पिटल में ही मिल सकता है, लेकिन यार पूरे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी सी ज़ॉम्बी से। अरे यार किसी भी तरह से अपन लोग को हॉस्पिटल तो पहुंचना ही पड़ेगा। अरे यार गाइस, मेरी जान की भी खतरा आ चुकी है अब तो। अरे यार फ्रैंकलिन के अंदर में तो ऑलरेडी वायरस आ चुकी है, और भाई सब अपन लोग जा रहे हैं यार अब सीधे हॉस्पिटल, और यार रास्ते में कहीं पर भी यार अटैक कर सकता है यार ज़ॉम्बीज। अरे यार मैं भी यार कहीं ज़ॉम्बीज ना बन जाऊं। अरे यार चुप, मैं तेरे को ज़ॉम्बीज नहीं बनने दूंगा यार, मैं किसी भी तरह से तेरे को बचा लूंगा। लेकिन भाई साहब, मैं अगर जिंदा रहूं तो ना, मेरे अंदर वायरस बहुत तेजी से फैल रही है। अरे यार मेरे को बहुत ही जल्दी एंटीडोट चाहिए। अबे यार फ्रैंकलिन, गाड़ी क्यों रोका यार, चलना सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। अरे यार चुप, टाइम बहुत ही कम है, मेरे अंदर वायरस बहुत तेजी से फैल रही है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है यार, हो सकता है उसके पास में एंटीडोट मिल जाए, मैं यार उससे मांग करके आता हूँ। अरे यार गाइस, मुझसे चला भी नहीं जाता है, मेरी बॉडी में यार पूरी तरह से वायरस फैल चुकी है, मैं यार या तो ज़ॉम्बीज बनने वाला हूँ या फिर मरने वाला हूँ। अरे यार चुप, बच के रहना। अरे भाई साहब एंटीडोट है तो दे दो यार। अबे यार फ्रैंकलिन, तू यार उसको अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे यार चुप, ये तो मेरी शकल देखते ही भाग गया। अरे यार कोई तो मेरी हेल्प कर दो। अरे यार चुप, ये सभी आदमी यार मेरे को देख करके क्यों भाग रहे हैं? अबे यार फ्रैंकलिन, तेरी शकल भाई साहब बहुत ही खतरनाक दिख रही है, तू यार कुछ ही देर में लगता है ज़ॉम्बीज बन जाएगा। अरे यार तू जल्दी से फटाफट लेकर के चल यार मेरे को हॉस्पिटल, मैं यार डॉक्टर को बोलूंगा तेरे को किसी भी तरह से एंटीडोट दे दे यार, उसके बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बोला तू, हॉस्पिटल जाएगा? कौन हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे बगल में बैठ करके? अबे यार फ्रैंकलिन, तू यार बिल्कुल पागल हो गया क्या? मैं हूँ यार चुप। अरे यार तू मेरे को काट मत लेना। अरे यार गाइस, फ्रैंकलिन लगता है पागल हो चुका है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या? अबे यार फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहे तुम? अरे भाई साहब, ये तो एरोप्लेन के ऊपर आकर के टकरा दिया अपनी गाड़ी। अरे यार गाइस, फ्रैंकलिन पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसकी आवाज भी बदल चुकी है, इसका फेस भाई साहब एकदम लग रहा है यार एकदम ज़ॉम्बीज की तरह। अबे यार फ्रैंकलिन, तेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। अरे यार गाड़ी दे दे मेरे को तू। अरे भाई साहब गाड़ी देना यार। अबे यार फ्रैंकलिन, ये क्या किया यार तूने? अरे भाई साहब ये क्या कर रहा यार, फ्रैंकलिन से गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। अरे यार ये तो एरोप्लेन से टकरा दे रहा है यार गाड़ी को। अरे भाई साहब अपन लोग भी ब्लास्ट होकर के मर जाएंगे। अरे भाई साहब किसी भी तरह से इसको कोई बचाओ यार, गाड़ी भी नहीं दे रहा मेरे को चलाने के लिए। अबे यार फ्रैंकलिन गाड़ी दे दे यार। अरे भाई साहब गाड़ी पलटा दी इसने। अरे तेरी ऐसी की तैसी, अबे तू मरवाना चाहता है क्या? अरे यार मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगा। अरे भाई साहब सभी गाड़ियों को ये उड़ा रहा है। अरे यार गाइस, किसी भी तरह से बचाना होगा फ्रैंकलिन को। चुप, ये लोग एंटीडोट कहाँ छुपा करके रखे हैं? एंटीडोट मंगा दे मेरे को, मैं मरने वाला हूँ। अबे यार फ्रैंकलिन, अब क्या करने जा रहा है तू? अरे यार प्लेन वाले के पास एंटीडोट नहीं है। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी प्लेन की तूने क्रैश करवा दिया। अरे भाई साहब, इन लोगों के पास में एंटीडोट नहीं मिलेगा यार। अरे यार एंटीडोट लेने के लिए अपन लोग को जाना होगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर इसी प्लेन में बैठे हैं, मैं इन सबको मार डालूंगा। एंटीडोट ला दे चोप, एंटीडोट ला दे। अबे यार फ्रैंकलिन, अरे यार अपन लोग को जाना पड़ेगा यार डॉक्टर के पास में, एंटीडोट नहीं है यार इस प्लेन के अंदर में। अरे यार तू गाड़ी मेरे को दे दे, गाड़ी किसी भी तरह से रोक यार, मुझे तेरे को किसी भी तरह से बचाना है। अरे यार मैं तेरे को हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया, तू मारा जाएगा यार, वायरस पूरी तरह से फैल चुका है तुम्हारे अंदर। अरे यार चोप, एंटीडोट इसी प्लेन के अंदर में है, एंटीडोट इसी प्लेन के अंदर
अंदर में है चोप, ला दे एंटीडोट, मेरे को बचा ले यार। अरे वायरस पूरी तरह से फैल चुका है मेरे अंदर, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अरे यार गाइस बचा लो यार तुम लोग हमको। अबे यार फ्रैंकलिन, एंटीडोट इस प्लेन के अंदर में नहीं है यार। अरे यार वायरस के वजह से तू पागल होने लगा है, तेरे फेस में यार खून बहने लगी है यार, तेरे मुंह से भी खून बह रही है। अरे यार फ्रैंकलिन, अगर तेरे को जिंदा रहनी है तो भाई साहब अपन लोग को जाना पड़ेगा अब डॉक्टर के पास में। चुप, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही कम है, मैं अब मरने वाला हूँ, मैं या फिर ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। अबे यार फ्रैंकलिन, तू यार फटाफट गाड़ी के पीछे बैठ। अरे यार मैं तेरे को अब हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता। अरे यार हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है यार, और तू किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। अरे वायरस तेरे अंदर बिल्कुल फैल चुकी है, मैं यार तेरे को टोनी स्टार के घर लेकर के चलता हूँ यार। टोनी के घर में भाई सब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर रहते हैं, और यार उसके घर में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं यार। वो लोग तेरे को बचा लेंगे, एंटीडोट तेरे शरीर में इंजेक्ट कर देंगे यार, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर यार अपन लोग सिंचन पिंचन को ढूंढने के लिए चलेंगे। ठीक है यार चोप, मेरे को टोनी के घर लेकर के चल। अरे यार गाइस टाइम अपन लोग के पास में भाई सब बहुत ही कम बचा है। अरे यार फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तू? अरे कोई भी नहीं है यार, कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। अरे यार तू गोलियां क्यों चला रहा है यार? अरे यार गाइस फ्रैंकलिन बिल्कुल पागल हो चुका है, लगता है कुछ ही टाइम बचा है, उसके बाद यार ये पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन जाएगा यार, अपन लोग को भी ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन तू टेंशन मत ले यार, मैं बहुत ही स्पीड गाड़ी चला रहा हूँ। अरे यार टोनी स्टार के घर बहुत ही नजदीक है, बस यार अपन लोग पहुँचने ही वाले हैं। अरे यार गाइस बहुत ही खतरनाक मामला है, किसी भी तरह से यार फ्रैंकलिन को बचाना ही पड़ेगा, उसके बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। अब लगता है भाई साहब 5% ही बचा है फ्रैंकलिन, अदरवाइज यार वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है यार। अगर हमने फ्रैंकलिन की जान नहीं बचाई तो यार वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, उसके बाद यार वो मेरे को भी काट लेगा। अरे भाई साहब ये क्या? अरे यार यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। अरे यार टोनी स्टार के घर तरफ भी ज़ॉम्बीज हैं। अरे यार चुप, सिंचन और पिंचन घर आए या नहीं यार? मुझे उन लोगों को किसी भी तरह से ढूंढना है। अरे यार मेरे को किसी भी तरह से जल्दी ठीक कर दो यार चोप, सिंचन की जान भी खतरे में होगी, उसको भी यार जरूर ज़ॉम्बीज ने काट लिया होगा, और पिंचन यार उसको ढूंढने के लिए गया था, पिंचन को भी यार ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। अरे भाई साहब मेरे को किसी भी तरह से बचा ले यार चोप। अबे यार फ्रैंकलिन तू यार टेंशन मत ले, अपन लोग यार टोनी के घर पहुंच चुके हैं यार, बस डॉक्टर लोग से मिलना है, इसके घर में बहुत ही एडवांस डॉक्टर रहते हैं। अरे यार वो तेरे को अभी के अभी एंटीडोट डाल देंगे तेरे बॉडी में, फिर यार तू फटाफट ठीक हो जाएगा यार, फिर अपन लोग चलेंगे सिंचन पिंचन को ढूंढने के लिए। चुप, मैं तेरे को खाऊंगा चुप। अरे यार गाइस लगता है फ्रैंकलिन के पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। अरे यार ये बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुका है यार, 99% ज़ॉम्बी बन चुका है। अबे यार फ्रैंकलिन जल्दी से उतर। अरे यार जल्दी से चल यार टोनी के घर। अरे यार गाइस 1% ही फ्रैंकलिन बचा है, बहुत बाकी यार ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है यार, ये तो मेरे को ही खाना चाहता है। अरे यार टोनी अगर तुमने इसको ठीक नहीं किया तो भाई साहब अपन लोग कोई भी नहीं बचेंगे, ये यार सबसे पहले तो मेरे को ही खाएगा। अरे यार टोनी बचा ले यार तू मेरे को। अरे यार गाइस मैं यार बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत ही कम एनर्जी बची है। अरे यार मैं कभी भी मर सकता हूँ यार, वायरस पूरी तरह से जकड़ लिया है मेरे को। अरे यार गाइस ये ज़ॉम्बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं। अरे यार टोनी तुम्हारे डॉक्टर किधर है यार? अरे यार गाइस यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अबे यार चुप, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यार क्या करूँ मैं? अबे यार फ्रैंकलिन तू यार नीचे आ जा नीचे। अरे यार इधर डॉक्टर है यार इधर। अरे यार गाइस ये कैसी आवाज थी? अरे यार फ्रैंकलिन तू यार 100% ज़ॉम्बी बन गया क्या? अरे यार गाइस अब तो भाई साहब मेरे को डर भी लगने लगा है। अरे यार टाइम बहुत ही कम बचा है। अबे यार फ्रैंकलिन नीचे आजा नीचे। अरे यार डॉक्टर इधर है यार। अरे यार गाइस देख रहे हो भाई साहब ज़ॉम्बी बन गया है लगता है यार फ्रैंकलिन। अरे यार आजा आजा इधर है यार डॉक्टर। अबे यार डॉक्टर जल्दी से तू फ्रैंकलिन को एंटीडोट दे, इसको यार ज़ॉम्बीज ने काटा है। अरे अरे ये तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है, इसको मैं एंटीडोट नहीं दे सकता।
अबे यार फ्रैंकलिन, ये क्या किया तूने? अरे तूने डॉक्टर को ही काट लिया। अरे भाई साहब, इसकी खून निकाल दी तूने। अरे यार, तू इसको भी ज़ॉम्बी बना दिया क्या? अरे यार गाइस, फ्रैंकलिन पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। देख लो भाई, ये यार जिसको मार रहा है, काट रहा है यार, वो ज़ॉम्बीज बन जा रहा है। अरे यार गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक बन चुका है। ये तो यार 100% ज़ॉम्बी बन चुका है यार। अरे यार गाइस, आप लोग यार प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, मेरी जान भी खतरे में है अब तो। अरे यार, फ्रैंकलिन के साथ रहने में मेरे को अब तो बहुत जोर की डर भी लगने लगी है। अरे यार, ये खून पीने लगा है अब तो। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये कितना खतरनाक बन गया अपना फ्रैंकलिन। अरे यार, तू मेरा सबसे अच्छा वाला मालिक था यार। अरे गाइस, ये सिंचन और पिंचन के बचाने के चक्कर में यह सब कुछ हुआ है। अरे यार फ्रैंकलिन, अब तो तू यार खून पीने लगा है यार। अरे यार गाइस, इसके मुंह से देख रहे हो कितनी खतरनाक वाली खून निकल रही है। सिंचन पिंचन चोप सबको खा जाऊंगा, सबको ज़ॉम्बी बना डालूंगा, काट काट करके, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सिंचन को खाऊंगा, चोप को भी खाऊंगा और पिंचन को भी खाऊंगा। अरे यार गाइस, अब तो यार फ्रैंकलिन से बचकर कहीं रहना पड़ेगा। अबे यार फ्रैंकलिन, गाड़ी के पीछे जा करके तू बैठ जा। अरे यार गाइस, इसको तो भाई साहब अब किसी भी तरह से मेरे को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब यार फ्रैंकलिन को सिर्फ और सिर्फ यार वो बाबा ही बचा सकता है, अदरवाइज यार कोई भी बचा नहीं सकता यार। मेरे को उस बाबा से मिलना पड़ेगा, तभी यार फ्रैंकलिन की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल मैं यार किसी भी तरह से फ्रैंकलिन को कहीं पर भी कैद कर देता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन बहुत ही डेंजर हो चुका है यार गाइस। फ्रैंकलिन के बॉडी में ज़ॉम्बीज का वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। 100% यार फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी बन चुका है यार। वो मेरे को ही खाना चाह रहा है। अरे यार, वो अगर मेरे को किसी भी तरह से पकड़ लिया ना, तो सबसे पहले मेरे को ही काटेगा। वो तो यार सिंचन पिंचन को भी ढूंढ रहा है। अगर यार उसे भी मिल गए ना, तो उन लोगों को भी ज़ॉम्बी बना देगा। फिलहाल यार मैं एक काम करता हूँ, मुझे यार एक गुफा के बारे में पता है। फ्रैंकलिन भैया को यार मैं उस गुफा के अंदर ले जा करके कैद कर देता हूँ। ये यार लॉस सेंटोस के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी बन चुका है यार। अगर ये लॉस सेंटोस में घूमने लगा, तो फ्रैंकलिन भैया नॉर्मल आदमी लोग को भी काटने लगेगा यार। लेकिन ये लोग कौन थे? अरे यार चलो यार चलो, ये लोग भाई साहब ज़ॉम्बीज नहीं थे। मेरे को यार बहुत जोर की डर लगती है। एक तो यार ज़ॉम्बी मैं गाड़ी में बैठा करके ले जा रहा हूँ, ऊपर से यार रोड में मिल गए, तब तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। बस यार फ्रैंकलिन को मेरे को ठीक करने के लिए सबसे पहले यार सिंचन पिंचन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार सिंचन को ही पता है कि यार वो बाबा कहाँ पर रहते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता यार। लेकिन यार गाइस, ये क्या? ये तो भाई सब ज़ॉम्बी लोग हैं। अरे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा पहाड़ों की तरफ। जाने दो मुझे, जाने दो, मेरे दोस्त हैं वो लोग। कान से मार दूंगा चोप में तेरे को। मेरे दोस्त लोग के पास जाने दो मेरे को। अरे यार गाइस, सुन लिया ना आपने? भाई साहब, ये फ्रैंकलिन ज़ॉम्बीज लोग को अपना दोस्त बता रहा है। बोल रहा है कि जाने दो मेरे को, मेरे दोस्त हैं यार वो लोग। अरे तेरी ऐसी की तैसी, इसका मतलब है भाई साहब ज़ॉम्बी बन चुका है यार फ्रैंकलिन। अरे यार गाइस, ये गाड़ी कहाँ फंस गई? बस यार गुफा सामने ही है। वो यार वो रहा गुफा, अपन लोग यार इस गुफा के अंदर में फ्रैंकलिन को डालेंगे और भाई साहब इसको किसी भी तरह से कैद कर देंगे यार। फ्रैंकलिन बहुत ही खतरनाक वाला ज़ॉम्बी बन चुका है, ये मेरे को भी खाना चाहता है। सिंचन और पिंचन को अगर ढूंढ लिया, तो भाई साहब उन लोगों को भी काट करके ज़ॉम्बी बना देगा। अबे यार फ्रैंकलिन, मेरे पीछे पीछे आ तू, यहाँ पर मैं तेरे को यार अच्छा करूंगा। आजा आजा, आ आ आजा आजा फ्रैंकलिन, आ मैं तेरे को यहाँ पे एंट्री डोर दिला। आजा आजा। अरे यार गाइस, ये फ्रैंकलिन धीरे धीरे आ ही रहा है। बस यार फ्रैंकलिन किसी तरह से आ जाए ना, फिर यार मैं फ्रैंकलिन को इस गुफा में कैद कर दूंगा। ये बहुत ही खतरनाक हो चुका है, मैं यार इसके सामने जाने से भी डरता हूँ यार। अबे यार फ्रैंकलिन, इधर आजा इधर आजा। देख यार, मैं यहाँ पर तेरे को एंट्री डोर दूंगा। आजा यार आजा। खाऊंगा सिंचन को, खाऊंगा
सिंचेन को खाना है। अरे यार गाइस, ये क्या, फ्रैंकलिन यार अभी बोल रहा था कि सिंचेन को खाऊंगा और अचानक से सो गया। अरे यार सो गया कि बेहोश हो गया कि मर गया यार। अरे तेरी ऐसी की तैसी, लेकिन भाई साहब इसकी सांसें तो चल रही है, इसका मतलब है भाई साहब ये बेहोश हो चुका है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे पास अभी ही टाइम है, जल्दी से यार मैं इसको कैद कर देता हूँ यार, अदरवाइज ये अगर जिंदा हो गया तो सबसे पहले ये मेरे को ही निकलेगा और मेरे को जाना होगा उस बाबा के पास में। अरे यार गाइस, मैं यार इसको जल्दी से फटाफट कैद कर दिया और यार मैं चलता हूँ अब सीधे यार उस बाबा के पास में। लेकिन यार उस बाबा का एड्रेस तो यार मेरे को नहीं पता है, पता है यार सिंचेन को, सिंचेन और पिंचेन दोनों को पता है यार, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यार वो कोई पहाड़ में रहता है वो बाबा। अरे यार गाइस, वही बाबा यार इसकी जान बचा सकता है। मेरे पास यार टाइम बहुत ही ज्यादा कम है यार गाइस, अगर किसी भी तरह से फ्रैंकलिन जाग गया ना तो यार वो बैरियर तोड़ करके बाहर निकल जाएगा और फिर यार वो मेरे को, सिंचेन को, पिंचेन तीनों को ढूंढने लगेगा यार, और मैं तो यार घर में ही मिल जाऊंगा। सबसे पहले यार वो मेरे को ही काटेगा और मेरे को ज़ॉम्बी बना देगा यार, इसलिए यार मैं जल्दी से चलता हूँ उस बाबा के पास में। अरे यार सिंचेन, तू यार काश मेरे को बता दिया हुआ रहता कि वो बाबा यार कहाँ पर मिलते हैं। अरे यार मैं फटाफट यार उस बाबा के पास जाकर के फ्रैंकलिन को ठीक कर देता यार, लेकिन तूने यार मेरे को बताया ही नहीं। अरे यार गाइस, मेरे पास तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, मैं यार सिंचेन को ढूंढूं, पिंचेन को ढूंढूं या फिर उस बाबा को ढूंढूं यार। मैं यार चलता हूँ अब सीधे यार उस बाबा को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार सबसे पहले मेरे को फ्रैंकलिन को ठीक करना है किसी भी हालत में। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, क्या हो यार तुम, अरे यार बचा लो यार तुम मेरे को। अरे यार मैं किस दुनिया में आ गया कुछ भी पता नहीं चल रहा यार, मैं सिमियन को ढूंढने के लिए निकला था और यार ज़ॉम्बी लोग ने मेरे को बहुत जोर की दौड़ाया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचा लो यार तुम मेरे को बचा लो। अरे यार बहुत जोर की रोना रहा यार, मैं तुम लोगों से बिछड़ गया हूँ। अरे यार चोप और पिंचन कम से कम तुम लोग तो बचा लो यार। अरे यार ये क्या, ये कौन सी चीज थी यार। अरे तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ तो कोई आदमी मरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यार ज़ॉम्बी लोग इधर तो नहीं ना गए। अरे तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ से मेरे को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया अब क्या करें, भाई सब टनल के अंदर में भी ज़ॉम्बी लोग। अरे यार गाइस मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं यार इस टनल से बाहर निकलूं कैसे। अरे यार एक बार निकल जाए ना तो यार मैं धीरे धीरे किसी भी तरह से छुप छुप करके यार मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यार गाइस इसमें तो भाई साहब रास्ता मिल ही नहीं रहा है। अरे यार जमीन के नीचे हूँ यार मैं अभी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तुम लोग कितने बुरे हो यार, मेरे को ढूंढने के लिए भी नहीं आया तूने। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चोप और पिंचन कुछ करो यार तुम लोग। अरे यार गाइस फ्रैंकलिन भैया चोप और पिंचन कितने बुरे हैं यार, वो लोग मेरे को ढूंढने तक नहीं आए। अरे तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ तो दरवाजा बंद है। अरे यार इसका मतलब है यार इधर भी रास्ता नहीं है, मेरे को यार लौट करके जाना पड़ेगा। अरे यार गाइस मैं यार भटक चुका हूँ, मैं यार जमीन के नीचे दौड़ रहा हूँ यार, पता नहीं चल रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचा लो यार बचा लो। अरे फ्रैंकलिन भैया बचा लो यार बचा लो, मैं भटक चुका हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं पहाड़ों में भटक चुका हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया सिंचेन और चोप तुम लोग कितना खराब हो यार, हम मेरे को बचाने तक नहीं आए तुम लोगों ने। अरे यार गाइस मेरे को सब पता है, अभी तक सिंचेन भैया मिल चुके होंगे, सिंचेन भैया फ्रैंकलिन भैया और चोप तीनों मिलकर के पार्टी कर रहे होंगे यार, क्योंकि ज़ॉम्बी प्रूफ तो घर पहले से ही था अपन लोग को। मैं यार कूद करके जान दे दूंगा, ये लोग मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। फ्रैंकलिन भैया चोप और सिंचेन भैया ये सबके सब मतलबी आदमी है यार, मेरे को बचाने तक नहीं आया। अगर एक घंटे के अंदर में ये तीनों में से कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो यार गाइस मैं यार इसी पहाड़ से कूद करके जान दे दूंगा, क्योंकि यार मैं अब लॉस सैंटोस जा नहीं सकता, क्योंकि यार वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, मेरे को खा जाएंगे, इसलिए यार मैं इधर ही जान दे देता हूँ। अरे
यार गाइस, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को तो प्लीज यार जो फ्रैंकलिन भैया या सिंचेन को बता दो ना यार, मैं इस पहाड़ में फंस गया हूँ और यार वो लोग मेरे को बचा लेंगे। अरे यार गाइस, सिंचेन बताया था एक बार मेरे को कि यार इसी पहाड़ में यार एक बाबा रहते हैं जिसके पास एंटीडोट रहता है। अरे यार फ्रैंकलिन को वही बाबा बचा सकते हैं यार। अरे बाबा किधर हो तुम? अरे बाबा मैं चोप। अरे बाबा फ्रैंकलिन की जान खतरे में है। अरे बाबा किधर हो तुम? निकल जाओ ना, निकल जाओ ना। अरे यार गाइस, ये बाबा तो भाई साहब मेरे को कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे। एक काम करता हूँ यार, इस जगह पर चढ़ करके देखता हूँ। लेकिन ये क्या, इधर भी कहीं पर भी बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे। अरे सिंचेन कहाँ पर बाबा थे यार, बता दो ना। अरे यार सिंचेन पिंचन सबको गायब हो चुके हैं यार। अरे यार गाइस, किसी भी तरह से फ्रैंकलिन भैया की जान बचानी है मेरे को, लेकिन वो बाबा तो मिल ही नहीं रहे। अरे यार गाइस, आप लोग यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो नेक्स्ट पार्ट, ताकि यार मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि फ्रैंकलिन की जान मैंने बचाई या फिर नहीं। अगर यार आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज यार नीचे यार लिख दो पार्ट 4। मैं यार नेक्स्ट पार्ट कल ही आप लोगों के लिए लाऊंगा। प्लीज यार नीचे कमेंट करना मत भूलना। तो प्लीज यार आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।